दोस्तों नमस्कार, 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर आज नई मुंबई के पौने गांव में ध्वजारोहण किया गया। यहां राष्ट्रभक्ति की धुन के बीच तिरंगे को सलामी दी गई। जय अंबे मित्र मंडल और बीजेपी यूपी सेल द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नागरिकों ने देश की सुरक्षा और समृद्धि में सहयोग देने का संकल्प दोहराया। देखिए झलकियां। छिहत्तरवें स्वाधीनता दिवस पर आज पौने गांव में जश्न आजादी का माहौल देखने को मिला। साहित्यकार अरविंद राही ने यहां ध्वजारोहण किया और सैकड़ों नागरिकों के साथ तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर यहां हिंदी भाषी नेता मार्कंडे केवट हरिओम के नेतृत्व में तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के बीच इस दौरान पौने गांव तिरंगामय नजर आया। कार्यक्रम में स्थानीय नेता मधुकर मुकादम, बीजेपी नेता राजेश राय, जम्बे मित्र मंडल के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी, उद्योगपति कमर अली चौधरी, अनिल कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज पूरा भारत एक मूर्तिमान भारत नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा जो अभियान है, हर व्यक्ति अपने आप को इस आज़ादी के महापर्व से जुड़ा हुआ पा रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जहाँ भी नज़र घुमा रहे हैं हमको तिरंगा नजर आ रहा है। ये हमारे आत्मगौरव के लिए, आत्मसम्मान के लिए, देश पर अभिमान के लिए वो अप्रतिम क्षण है जिसका इंतजार 75 वर्षों से हर भारतीय कर रहा था। और इस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएं। जब हम 100वां वर्ष मनाएं तो किसी तरह की किसी नारे की आवश्यकता न पड़े, लोग अपने आप से स्वप्रेरणा लेकर के आगे आएँ और इस पर्व को और घनीभूत करें। ये अमृत महोत्सव का उत्साह अद्भुत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमें सभी दिख रहा है कि अपने स्वेच्छा से सब लोग झंडे अपने घर पर घर लगा रहे हैं। जब हम झंडे बांटने के लिए मतलब कि बाहर निकले थे तो राह चलते आदमी कि भाई एक झंडा मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर पर लगाऊंगा, मैं अपने गाड़ी पर लगाऊंगा, चाहे वो कचरे की गाड़ी हो चाहे बड़ी कार हो, सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। और ये मोदी जी ने जो सभी को ये ताकत दी कि अपने घर पर ध्वज लगाएं और ध्वज की अहमियत समझे, ये अद्भुत है। उसी के तहत आज पौना गांव में भी देखिए, हर साल मनाया जाता है लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग है। तो सबके अंदर जन भावना जागी है कि देश से सभी लोग प्रेम करते हैं, देश हम सबका है, यही संदेश आदरणीय मोदी जी ने दिया है। स्वतंत्र दिनी सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि पौना गांव हे सर्व जाती धर्म आणि सर्वांनी नटलेलं गाव आहे आणि सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र राहतात आणि सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि हा पर्व जोशात यावर्षी आम्ही साजरा करत आहोत आणि या परत एकदा शुभेच्छा देतो। ये 76वां आजादी महोत्सव है और हमारे यहाँ सब लोग जो है कि अतिथि आए हैं और इस देश के रक्षा के लिए सारे लोगों ने जो भी बीड़ा उठाया और यहाँ पर सहभागी दिया और आके ध्वजारोहण करवा के सबको जो है कि देश के प्रति जागरूक किए, इसके लिए मैं सब लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 75वां अमृत महोत्सव है और इस महोत्सव पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान सभी जो भी उन्होंने आह्वान किया उसके गाइडलाइन को फॉलो किया और हम लोगों ने घर घर जाके तिरंगा वितरण का काम किया, रैली निकाला, घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। आपके माध्यम से यदि उनके पास तक यह संदेश पहुंच जाए प्रधानमंत्री के पास तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक घर मिले, जिससे कि जो व्यक्ति के पास घर नहीं है वो झंडा कहाँ फहराएगा। 100 साल में जब हम महोत्सव मनाएं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार बिना घर का ना रहे।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।